नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भीषण सड़क दुर्घटना में दो छात्रा और एक युवक की हुई मौत, एक छात्रा हुई घायल। गुरुवार को जिले के 3 जनपद पंचायतों में होगा सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान। खेल खेल के दौरान फांसी का फंदा बन गया रस्सी का झूला, 4 वर्षीय मासूम बच्चे की हुई मौत। बालाघाट और लालबर्रा में पंचायत चुनाव मतदान दल के कर्मचारियों ने खराब खाने की शिकायत, जताई नाराजगी। टेंडर के बाद भी नहीं हुआ स्टेशन पहुंच मार्ग का निर्माण, स्थानीय जनों और राहगीरों में आक्रोश। वारासुनी बुधबुदा कोचेवाई मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 23 वर्षीय युवक रोहित खरे की मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि उक्त युवक अपने मित्रों के साथ शाम को वॉक के लिए पैदल ही घर से निकला था, जो टहल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित खरे, उम्र 23 वर्ष, निवासी कोचेवाई, बुधवार की शाम अपने मित्र सुनील कावरे और दीपक मानेश्वर के साथ संध्या भ्रमण के लिए घर से निकले थे, जो बुधबुदा से कोचेवाई मार्ग पर घूम रहे थे। इसी दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के द्वारा मोटरसाइकिल से पैदल अपने मित्रों के साथ घूम रहे रोहित खरे को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी और फरार हो गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोहित दूर छिटक कर जा गिरा और बेहोश हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके साथी और परिचितों के द्वारा तत्कालीन शासकीय सिविल अस्पताल वारासुनी लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा जांच कर रोहित को मृत घोषित कर दिया गया। भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरेरा में पंच प्रत्याशी के समर्थक ने वोट नहीं देने की बात को लेकर पति पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया है। दोनों घायल दीनदयाल चौरे 55 वर्ष, उनकी पत्नी ताराबाई चौरे 50 वर्ष, दोनों ग्राम जरेरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जरेरा में वार्ड नंबर 13 से पंच के लिए दीनदयाल चौरे की बहन चंद्रकला बाई वासनिक प्रत्याशी थी। वहीं इसी वार्ड से रोहिदास बारेकर की पत्नी उमाबाई भी पंच के लिए खड़ी हुई है। बताया गया है कि 7 जुलाई की शाम 6 बजे पंच प्रत्याशी उमाबाई बारेकर के पति रोहिदास बारेकर ने अपने वार्ड के मूलचंद नेवारे को जमकर शराब पिलाई, जिसके बाद मूलचंद दीनदयाल के घर गया और उमाबाई बारेकर को वोट देना, किंतु दीनदयाल ने मूलचंद को दूसरे को वोट दिए जाने की बात पर विवाद किया। मूलचंद ने कुल्हाड़ी से दीनदयाल पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी का वार दीनदयाल के चेहरे नाक के ऊपर लगा, उसके बाद मूलचंद दीनदयाल को हाथ बुकों से मारपीट करने लगा था। बीच बचाव करने के लिए दीनदयाल की पत्नी ताराबाई आई, तब मूलचंद ने उसे भी कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी का वार ताराबाई के दाहिने हाथ की कलाई में लगा। इस दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए, तब मूलचंद वहां से भाग खड़ा हुआ। इस वारदात में घायल दीनदयाल और उसकी पत्नी ताराबाई को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। तो इन लोगों का इस बात पे से झगड़ा हुआ था कि ये लोग आए इनके पास में, कौन आया, रोहिदास और कुलचंद, हाँ, कि बोले कि वोट हमको देना है, हाँ। तो ये बोले कि मेरी बहन खड़ी हुई है, हाँ। मैं क्यों दूंगा वोट। अच्छा, रोहिदास की पत्नी खड़ी हुई है, हाँ जी, और इनकी इनकी दीदी खड़ी हुई है। वार्ड नंबर कौन से? वार्ड नंबर 13 जरेरा। जरेरा तो क्या हो किस बात को, फिर क्या हुआ फिर? तो फिर उसके बाद में फिर मैं आ गया, फिर मेरे को पता चला कि इन लोगों को रोहिदास टंगिया मार दी है। किन्ने मारा टंगिया? फुलचंद ने। अच्छा, किस बात को लेकर के? वो वोट देने के बाद। अच्छा, वोट देने मना कर दिए, हाँ। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए तृतीय चरण में 8 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। तृतीय चरण में 8 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए आज 7 जुलाई को मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया है और मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण कार्य का निरीक्षण किया और मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना करवाया। इसी तरह लालबर्रा विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 8 जुलाई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां से 7 जुलाई को प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक मतदान दल के अधिकारी कर्मचारियों को चुनावी सामग्री का वितरण किया गया, जिसके बाद वे मतदान केंद्र के लिए बसों से रवाना हो गए।
इस मतदान सामग्री वितरण के लिए 16 काउंटर बनाए गए थे एवं विकासखंड में बनाए गए 245 मतदान केंद्रों के मतदान अधिकारियों को क्रमानुसार 16 काउंटरों के माध्यम से सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान चुनावी सामग्री पर्याप्त करने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण मतदान दलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लालबरा उत्कृष्ट विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम से मतदान दलों को चुनावी सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री वितरण करने के बाद मतदान दलों के अधिकारी कर्मचारी पुलिसकर्मियों को भोजन का पैकेट देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान दलों के अधिकारी कर्मचारियों को खराब व कम भोजन पैकेट में दिया गया था। ऐसी स्थिति में कई मतदान दल के अधिकारी बिना भोजन किए ही खाली पेट चले गए। चर्चा में मतदान दल के कर्मचारियों ने बताया कि चुनावी सामग्री प्रदान करने के बाद मतदान केंद्रों में जाने से पूर्व भोजन के पैकेट प्रदान किए गए, परंतु भोजन खराब है एवं कम है, ऐसी स्थिति में भोजन नहीं कर पाए। नगर के हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक बनी पक्की सड़क का यह मामला है जिसका समय पर मेंटेनेंस न होने के चलते सड़क जगह जगह से खराब हो चुकी है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। आपको बताएं कि नगर का मुख्य मार्ग होने, बड़े बड़े दो निजी अस्पताल, इनकम टैक्स वापिस, बैंक की मुख्य शाखा और रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न एजेंसी, निजी कार्यालय इसी मार्ग पर होने के चलते इस मार्ग पर रात दिन वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। सड़क खराब होने के चलते स्थानीय निवासियों सहित आम राहगीरों और इस मार्ग से आवागमन करने में भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिस पर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। जहाँ स्थानीय निवासी, दुकान संचालक व अन्य राहगीरों ने हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक का सड़क का पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग की गई है। यहाँ की रोड की बहुत दिक्कत है, बहुत खराब रोड है, यहाँ चलने में बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में वो पैदल चलना है तो कीचड़ है। अभी जैसे बारिश का टाइम है तो वैसे ही अभी कीचड़ भर जाता है और बड़े बड़े पत्थर वाला वो डलवा देते हैं, उसके कारण और दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, पैदल चलने में। कब से है ये रोड ऐसी खराब है? कुछ ये तो बहुत साल हो गए, अभी साल के ऊपर हो ही गया होगा, इसको सुधारे नहीं होगा। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? रोड तो अच्छे से बनना चाहिए सब जगह की। कई जगह और है जहाँ पे पानी का स्थिति भराव चालू है, अभी बारिश अभी तो कम ही है, जैसे जैसे बारिश चालू होगी उसकी वजह से और दिक्कत होगी। प्रशासन जो है चौमुखी विकास का वादा कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है आपको कि चौमुखी विकास हो रहा है? देख के तो नहीं लग रहा कि चौमुखी विकास हो रहा है, क्योंकि अपना जो ये बालाघाट है यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी कि बोल नहीं सकते कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ रेलवे स्टेशन तरफ जाओ चाहे अपना सरिखा बाईपास तरफ जाओ तो एक तो रेल की दिक्कत है, बिजली नहीं बन रहा है। ये रोड कब से खराब दिख रही है? मैं जब से आया हूँ 2017-18 जब से खराब है। कभी रिपेयरिंग या बनाई गई? रिपेयर बस ये मलबा डाला है और गिट्टी डलते रहती है बस। क्या दिक्कतें होती है जैसे कि डेली आने जाने में? बस पानी भर रहा है, दिक्कत बाहर उस साइड का पानी पूरा यहाँ से जाते रहता है, बरसात के टाइम बहुत दिक्कत होती है। तो ये हमेशा ही ऐसी रहती है क्या? नहीं, पानी भरा हुआ तो बरसात में पानी भरा रहता है। अच्छा, और उबर खबर रोड हमेशा रहती है, शुरू से गिट्टी डालते रहती है बस। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से रोड बनना चाहिए, अब 3-4-5 साल से देख रहा हूँ मैं, रोड बनी नहीं है, रिपेयर भी हल्की हल्की। आपको पता है इस रोड का टेंडर हो चुका था? इस बारे में नॉलेज नहीं है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मठसेनिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 3 के तहत सेन चौक से लेकर शमशान घाट और हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार को काम दिया जा चुका है, करीब 1,42,00,000 का ठेका हुआ है, जिसमें से ठेकेदार ने शमशान घाट रोड बना दिया है। ठेकेदार जल्द ही हनुमान चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की रोड बनाएगा। फिलहाल नगर पालिका के द्वारा 27-28 लाख रुपये का पेमेंट ठेकेदार को किया जा चुका है। ठेकेदार और पेमेंट मांग रहा है जिसे दे दिया जाएगा और जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमान चौक तक के मार्ग को बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए बालाघाट विकासखंड के लिए मतदान सामग्री लेकर मतदान दल गुरुवार की सुबह नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हुए। इस दौरान वे मतदान कर्मचारी व्यवस्था को लेकर निराश भी हुए, जिन्हें बासी भोजन के पैकेट थमाए गए। अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे कर्मचारियों ने बासी भोजन के पैकेट को लेकर काफ़ी नाराजगी जताई। मतदान कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें जो भोजन के पैकेट दिए गए हैं उससे काफ़ी बदबू आ रही है, जिसके कारण उन्होंने पैकेट वापस कर दिए हैं। भोजन के पैकेट सिर्फ उन्होंने ही वापस नहीं किए, बल्कि उनकी बस में सवार समस्त कर्मचारियों ने भोजन के पैकेट वापस किए। इसी प्रकार अन्य कर्मचारियों को भी ऐसे ही पैकेट मिलने की संभावना बताई गई है। मतदान संपन्न कराने जा रहे कर्मचारियों ने बताया कि बासी भोजन के पैकेट होने के कारण उनके द्वारा अभी भोजन नहीं किया गया है, अब उन्हें अलग से भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा। खाना पूरा बासी है और इसमें स्मेल आ रही है ना,
खट्टी स्मेल आ रही है और बदबू टाइप की आ रही है, इसलिए सभी दल के कर्मचारियों ने यहाँ से खाना वापस कर दिया। लगभग यहाँ से बस में पूरे ही लोगों ने वापस कर दिया खाना। अरे ये लोग खाना वापस किया है। क्यों, कैसा था खाना? खाना स्मेल आ रही थी तो वो खाने लायक नहीं था। हाँ स्मेल आ रही है। इस संबंध में चर्चा करने पर आजीविका मिशन के अधिकारी ओम प्रकाश बेदवा ने बताया कि भोजन के पैकेट सुबह 4 बजे तैयार हो जाते हैं, भोजन लेट करने के कारण शायद इस प्रकार हुआ हो। हमारे द्वारा पूरी सावधानी बरती जा रही है, फिर भी अगर इस तरह की शिकायत आ रही है तो इसके बारे में पता किया जाएगा। आपको बताएं कि शिकायत खराब भोजन के पैकेट मिलने की शिकायत सिर्फ बालाघाट में नहीं बल्कि गुरुवार को लालबरा और उससे पहले वारासिनी में भी इस तरह की शिकायत आ चुकी है। भोजन की व्यवस्था सुचारू किए जाने को लेकर प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। नतीजा मतदान केंद्र पहुंचने के पहले कर्मचारियों को भूखे पेट ही रवाना होना पड़ा। घर में झूला झूलते समय गले में झूले का रस्सा कसने से एक 4 वर्षीय मासूम लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल इस मासूम ने जिला अस्पताल बालाघाट लाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यह घटना बारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरबसपुर में उस समय हुई जब यह लड़की अपने 7 बच्चों के साथ ही घर में खेल रही थी। जिला अस्पताल पुलिस ने मासूम बालिका स्तुति पिता भुवनलाल विखे 4 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका स्तुति अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। माता पिता खेती किसानी करते हैं। बालिका स्तुति अपने गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने जाती थी। 7 जुलाई को स्तुति आंगनवाड़ी केंद्र नहीं गई थी और घर में ही खेल रही थी। 11 बजे करीब स्तुति घर में ही अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। माता पिता कृषि कार्य करने के लिए खेत चले गए थे। परिवार में अन्य लोग जो घर में थे वह घरेलू काम में व्यस्त हो गए थे। स्तुति घर में झूला झूल रही थी। झूला झूलते समय अचानक झूले का रास्ता स्तुति के गले में कस गया और वह बेहोश हो गई थी। घर के रोड किनारे होने से पड़ोसियों ने स्तुति का गला झूले से रस्से में फंसा हुआ देखा और परिजनों को उसके बारे में सूचना दी। खबर मिलते ही खेत से स्तुति के माता पिता घर पहुंचे और मोटरसाइकिल से स्तुति को लेकर जिला अस्पताल बालाघाट आए, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्तुति ने जिला अस्पताल पहुँचने के पूर्व ही दम तोड़ दिया। आज सुबह हम सब लोग खेत में थे, बच्चे घर पे थे और घर में और भी छोटे बच्चे लोग थे। ये लोग झूल रहे थे झूले में, रस्सी वाले झूले में, और झूलते झूलते अचानक से मुझे जानकारी मिली कि वो रस्सी गले में फंस गई थी और वो सामने वाली कोई बाई है उनने देखा और हमको सूचित किए। जब हम घर पहुंचे तो बच्ची मूर्छित अवस्था में थी। उसको उठा करके हमने सीधा जिला चिकित्सालय लेके आए और डॉक्टर से चेक कराए तो उन्होंने कहा बच्ची नहीं रही। बारासुनी रोड में ग्राम डोंगरिया के पास नेशनल हाईवे रोड में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। गुरुवार की दोपहर में हुई सड़क दुर्घटना में 2 छात्राओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई तो वहीं 2 छात्राएं बाल बाल बच गई। जिन 2 छात्राओं की मौत हुई उनमें निशा पिता राधेश्याम ठाकरे उम्र 22 वर्ष निवासी सिकंदरा बारासुनी तथा दूसरी छात्रा साक्षी पिता हेमराज धामड़े उम्र 20 वर्ष निवासी चिकला की मृत्यु हुई है। दोनों ही छात्राओं के शव को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया जहां उनके शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दोनों छात्राएं ग्रेशियस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। मृतिका साक्षी बालाघाट में अपने बड़े पिता के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं मृतिका निशा ठाकरे शिजगांव निवासी अपनी सहेली प्रिया पंचेश्वर के साथ बालाघाट में रहती थी। बताया जा रहा है कि मृतिका साक्षी अपनी 2 सहेलियों के साथ स्कूटी से ग्रेशियस कॉलेज गुरुवार को गई थी तथा छुट्टी होने के बाद करीब 2:03 बजे चारों छात्रा स्कूटी के साथ मदरसा चौक में खड़े थे। इनमें से एक छात्रा घर जाने वाली थी तो वे बस का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान एक ट्रक बारासुनी की तरफ से तेज गति से पहुंचा और वहां खड़ी 3 छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं 2 छात्राएं बाल बाल बच गई। इस घटना में छात्रा प्रिया पंचेश्वर भी घायल हुई। चोट लगने के कारण इस छात्रा को भी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उसका उपचार जारी है। प्रिया पंचेश्वर को हल्की चोटें आई है। एम्बुलेंस के माध्यम से मृत दोनों छात्राओं के शव को जिला अस्पताल लाया गया। जानकारी लगते ही जिला अस्पताल परिसर में लोगों का जमावड़ा लग गया। यहां परिजन रोते भी लगते रहे। यहां भी जानकारी सामने आई है कि घटना खारित करने वाला ट्रक वारासुनी से बालाघाट की ओर जा रहा था। घटना होने के बाद यह ट्रक मौके से फरार होकर गर्रा पहुंचा तथा गर्रा में ट्रक को खड़ा कर वाहन चालक फरार हो गया। आपको बताया कि मदरसा चौक में तथा उसके आसपास रोड में 1 वर्ष के भीतर करीब 30 दर्जन घटनाएं घट चुकी है और इस रोड में हमेशा बड़े एक्सीडेंट ही हुए हैं। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ठोस प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटती जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा वाहनों की स्पीड तथा सड़क में साइड पट्टी को लेकर नाराजगी जताई जा रही है।
आक्रोशित लोगों के द्वारा इसी घटना को रोके जाने के लिए आगामी दिनों में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आक्रोश जताए जाने की भी बात कही गई। लोगों का कहना है कि जिस तरह से ग्राम डोंगरिया से वारासुनी के बीच सड़क दुर्घटना होती जा रही है, उसको देखते हुए वारासुनी पुलिस के द्वारा कुछ स्पॉटों को चिन्हित कर सड़क दुर्घटनाएं रोकने उचित प्रबंध किए जाने की अपेक्षा जताई गई है। प्रशासन अब चाहे व्यवस्था बना ले, लेकिन अपने परिवार की दो लाडली बालिकाएं असमय ही अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इस बात का उन परिवारों को हमेशा दुख बना रहेगा। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। जहां पंचायत चुनाव होना बाकी है, वहां काफी गहमा गहमी का माहौल है। वहीं चुनाव में प्रत्याशियों के साथ ही जनता भी चुनाव मैदान में देखी जा रही है। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत गर्रा में सरपंच प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक दांव पेच जारी है। गुरुवार की दोपहर में ग्राम पंचायत गर्रा के करीब 150 लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिनके द्वारा ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच पद के प्रत्याशी के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया गया तथा बताया गया कि उन्हें दूसरे प्रत्याशी को वोट नहीं करने के लिए धमकाया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने बताया कि ग्राम गर्रा के कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के संबंध में आए थे। ग्रामीणों के द्वारा विषय है कि ग्राम गर्रा के सरपंच प्रत्याशी के द्वारा कुछ धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। ग्राम गर्रा के कुछ निवासी जो हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के संबंध में आए थे। ज्ञापन का विषय ये है कि ग्राम गर्रा से सरपंच प्रत्याशी के द्वारा कुछ धमकी दी जा रही थी, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। चूंकि सर कल गर्रा में मतदान है, इसको लेकर के किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये जो कल चुनाव हो रहे हैं पंचायत निर्वाचन, इसमें जो निर्वाचन आयोग के संबंध में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी जो है समस्त निर्देशों का पालन किया जा रहा है। और ये एक शिकायत जो आई है, इसको कलेक्टर साहब और एसपी साहब के संज्ञान में लिया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।